इस वीडियो में हम बात करेंगे 2004 की इसराइली फिल्म टर्न लेफ्ट एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, जो कहानी है दो परिवारों की जो बॉम्बे और मोरक्को से निकलकर इसराइल में रहने आए। हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म एंड म्यूजिक। आई एम दीक्षांत एंड दिस इज इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। 1968 में हो रहे वॉर के दौरान कई यहूदी अलग अलग देशों से निकलकर इसराइल में रहने आ रहे थे। मोरक्को से आए कुछ इमिग्रेंट परिवारों के बीच इंडिया के बॉम्बे शहर से आया एक यहूदी परिवार भी मौजूद था। रॉजर तालकर नाम के आदमी का मानना था कि उन्हें इसराइल के सबसे अच्छे इलाके में रहने का मौका मिलेगा, और ये सोचकर रॉजर और उसकी बेटी सारा बहुत खुश थे। पर उन्हें किसी रेगिस्तानी इलाके में भेजा गया जो दुनिया से बिल्कुल अलग था। उसी इलाके में सारा की मुलाकात निकोल नाम की एक लड़की से हुई, जो आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। निकोल मोरक्को से आई एक इमिग्रेंट थी, और जिस इलाके में वो अपने परिवार के साथ रह रही थी वही रॉजर तालकर का परिवार रहने आया। इलाके में अपने दोस्त स्टैनली से मिलने पर रॉजर को पता चला कि उन्हें रहने के लिए एक छोटा सा घर मिला है और अगली सुबह से ही उन्हें फैक्ट्री में मजदूरी करनी होगी। ये जानकर रॉजर परेशान हो गया क्योंकि बॉम्बे में वो एक बिजनेसमैन हुआ करता था। स्टैनली ने उसे समझाया कि उन्हें इसी में अपना गुजारा करना होगा क्योंकि उन्हें कहीं और रहने दिया ही नहीं जाएगा। तालकर परिवार के वहाँ आने से निकोल का परिवार खुश नहीं था क्योंकि मोरक्कन फैमिलीज को इंडियन फैमिलीज पसंद नहीं थी, पर निकोल और सारा एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। उसी इलाके में सिमोन नाम की एक औरत रहती है जिसके पति की मौत हो चुकी थी। उन सबको फैक्ट्री में काम करना पड़ रहा था, पर रॉजर अब भी काम करने के लिए तैयार नहीं था। फैक्ट्री में सिमोन को देखते हुए उससे एक गलती भी हो गई, पर स्टैनली और निकोल के पिता आइजैक ने हालात संभाल लिए। यहूदी बच्चों के लिए इलाके में एक स्कूल था जहाँ काम कर रहा टीचर असाफ निकोल को पसंद था, पर निकोल को उसके पास जाते देख मोशे नाम के लड़के को अच्छा नहीं लगा। निकोल को सिमोन पसंद थी, पर उसकी माँ जनेट को ना तो सिमोन पसंद थी और ना ही इंडिया से आए परिवार। सिमोन रॉजर के परिवार के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी, इसलिए उसने निकोल से कहा कि उसे सारा से दोस्ती करनी होगी। सारा की माँ रेचल इस नई जगह पर खुश नहीं थी, पर रॉजर ने वादा किया कि चीजें बेहतर हो जाएंगी और जल्द ही वो लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। इन्हीं बातों के बीच निकोल उनके घर आई और तालकर परिवार से बातें करने के बाद उसने सारा से बातें शुरू की। निकोल ने सारा की डायरी देखी जिसमें वो अपने आसपास के लोगों के बारे में लिखती है। वो देखकर निकोल ने कहा कि इस इलाके में उसे लिखने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। एक तरफ जहां इंडियन ज्यूस को लोग पसंद नहीं करते थे, वहीं दूसरी तरफ सिमोन रॉजर के करीब आने की कोशिश कर रही थी, मगर इस बात से रेचल अनजान थी। रेचल को भी दूसरों का बुरा बर्ताव सहना पड़ रहा था, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक इंडियन है। जल्द ही रेचल और जनेट की बहस हुई क्योंकि रेचल का मानना था कि ब्रिटिश साबुन अच्छा है और जनेट का मानना था कि फ्रेंच साबुन अच्छा है। एक तरफ जहां दोनों औरतें एक दूसरे से इतनी छोटी सी बात पर लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी बेटियां एक दूसरे के करीब आ रही थी। निकोल ने बताया कि वो असाफ को पसंद करती हैं, पर असाफ को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। दोस्ती के बहाने निकोल सारा की जिंदगी की सारी बातें सिमोन को बताने लगी और रॉजर को जो भी चीजें पसंद थी उनके बारे में उसे पता चलने लगा। एक रात रॉजर की भी नज़र सिमोन पर पड़ी, पर जल्द ही वो रेचल के पास चला गया। अगले दिन फैक्ट्री के मजदूरों ने धरने की तैयारी की और सारा काम रोक दिया गया क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें ज्यादा पैसे मिले। उन मजदूरों ने सोचा कि गवर्नमेंट उनकी मांगे पूरी करेगी, पर वक्त गुजरता गया और मजदूरों को कोई मदद नहीं मिली। इससे सबसे ज्यादा परेशान निकोल की बहन जोसी थी क्योंकि धरने की वजह से उसकी शादी रुक सकती थी। कुछ दिनों बाद फुटबॉल खेलते हुए इलाके के लोगों ने इंडियन इमिग्रेंट्स को क्रिकेट खेलते हुए देखा। वो लोग पहली बार क्रिकेट के खेल को देख रहे थे, इसलिए उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। वो इंडियंस का मजाक उड़ाने लगे, और इस बीच निकोल ने कहा कि वो चाहती है रॉजर उसकी बहन और सिमोन को डांस करना सिखाए। सारा निकोल की बात मान गई और ये जानकर सिमोन बहुत खुश हुई। रॉजर ने अगले ही दिन जोसी की शादी के लिए उन सबको डांस सिखाना शुरू किया, और सेशन पूरा होते ही जब वो सब वहाँ से बाहर गए तो रॉजर के पास सिमोन आ गई। रॉजर ने कहा कि सेशन खत्म हो गया है, पर जब सिमोन नहीं मानी तो रॉजर को उसे अकेले सिखाना पड़ा। कुछ देर डांस करने के बाद सिमोन और रॉजर के बीच बातचीत शुरू हुई, और सिमोन ने रॉजर को अपने घर आने के लिए कहा, पर देर रात रॉजर उसके घर नहीं जाना चाहता था और वो अपने परिवार के पास लौट आया। फैक्ट्री के मजदूर अब बिना काम के जी रहे थे, और इस वजह से हर कोई परेशान था क्योंकि उनकी कोई कमाई नहीं हो रही थी। रॉजर के दिमाग में अब सिमोन घूमने लगी थी, इसलिए एक रात वो उससे मिलने गया। उस रात सिमोन और रॉजर एक दूसरे के करीब आए, और घंटों बाद वो घर लौट कर आया। रेचल ने फिर भी रॉजर से कुछ नहीं कहा।
अगले दिन इलाके के लोगों को पता चला कि इंडियंस चिट्ठी लिखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट से मदद मांग रहे हैं और मदद के तौर पर इंग्लिश क्रिकेट टीम उनके इलाके में आकर एक मैच खेलेगी जिससे इंग्लैंड और इसराइल के संबंध बेहतर होंगे। कोई भी इस बात से खुश नहीं था पर इंडियंस मैच की तैयारी करने लगे। रॉजर को समझ आया कि कोई भी ठीक से खेल नहीं पा रहा था और उसने मोरक्कन लोगों को टीम का हिस्सा बनाने के बारे में सोचा। उन मोरक्कन लोगों में से एक आदमी गाबी ने कहा कि वो इंडियन से बेहतर खेल सकता है और इसी नफरत के खेल में सारा की मदद से रॉजर को अपनी टीम का पहला खिलाड़ी मिल गया। दूसरी ओर जनेट की तबीयत बिगड़ने लगी थी और हॉस्पिटल से लौटकर उसने बताया कि उसे ल्यूकेमिया है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। निकोल और सारा की दोस्ती अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और जनेट समझने लगी कि उनकी करीबी बढ़ती जा रही है। एक रात किसी पार्टी में रॉजर और सिमोन फिर से एक दूसरे के सामने आए और उन्होंने अपने अफेयर को जारी रखा। उसी पार्टी में जब निकोल के साथ बदतमीजी हुई तो सारा उसकी मदद करने पहुंची और इसी तरह उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। सारा और गाबी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और गाबी के कहने पर मोरक्कन लोगों ने इंडियंस के साथ अपनी दुश्मनी भुला दी। वो लोग भी क्रिकेट टीम का हिस्सा बनना चाहते थे और ये देखकर सारा बहुत खुश हुई। एक रात निकोल ने असाफ को अपने दिल की बात बताई पर असाफ ने कह दिया कि उनके बीच कुछ नहीं हो सकता। निकोल इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई पर उसने हार नहीं मानी और उसकी हरकतों को देखकर असाफ उसके करीब तो आया पर अगली ही सुबह निकोल को एहसास हुआ कि वो असाफ को पाकर भी खुश नहीं है। किसी तरह सिमोन ने उसे संभाल लिया और निकोल को बेहतर महसूस होने लगा। कुछ दिनों बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इलाके में क्रिकेट का सामान आया पर अब भी रॉजर का ध्यान क्रिकेट पर नहीं सिमोन पर था। रेचल को रॉजर और सिमोन पर शक होने लगा था इसलिए वो सिमोन के बारे में जानने के लिए जनेट के पास गई। जनेट से उसे पता चला कि सिमोन एक विधवा है और ये जानकर रेचल और परेशान हो गई। जोसी की शादी का दिन करीब आया और इलाके का हर इंसान शादी के जश्न में शामिल था। रॉजर के साथ साथ रेचल भी अब इस सब का हिस्सा बनने लगी थी और तालकर परिवार लोगों के बीच घुलने मिलने में कामयाब हो रहा था। धीरे धीरे जोसी और उसके होने वाले पति योसी को समझ आया कि निकोल और असाफ के बीच एक अफेयर है जिससे निकोल खुश नहीं। इस परेशानी के अलावा निकोल के परिवार की सबसे बड़ी परेशानी जनेट की बीमारी थी क्योंकि दूसरे शहर के डॉक्टर से मिलकर भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। जब जनेट को असाफ और निकोल की सच्चाई पता चली तो वो निकोल से बहुत नाराज हुई और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच बहस हो गई। निकोल ने बहस के दौरान अपने परिवार की बेइज्जती की जिसकी वजह से जनेट पूरी तरह टूट गई। रेचल सिमोन को अपने पति से दूर रखना चाहती थी इसलिए जनेट के कहने पर वो एक औरत के पास गई जिसने एक बदबूदार पानी उसे सिमोन के घर के दरवाजे पर फेंकने के लिए कहा। रेचल ने उसकी कही हर बात की फिर भी सिमोन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और रेचल की परेशानी खत्म नहीं हुई। क्रिकेट मैच का दिन आया और इलाके के लोगों के खिलाफ इंग्लिश टीम को खेलते देखने के लिए बहुत सारे लोग भी वहां आए। वो मैच देखने सिमोन भी आई और तब रेचल को पता चला कि बदबूदार पानी का असर अब उस पर होने लगा है। कुछ वक्त बाद क्रिकेट मैच शुरू हुआ पर इलाके के लोगों को क्रिकेट का खेल अब भी समझ नहीं आ रहा था। निकोल ने अपने आप को घर में बंद कर दिया था और जब सारा उससे मिलने गई तो निकोल ने उससे बुरा बर्ताव किया। वो कहने लगी कि सारा हर किसी की जिंदगी में झांकती है पर खुद के परिवार को देख नहीं पा रही। उसने सारा को रॉजर के अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया और ये जानकर कि निकोल हमेशा से सच जानती थी सारा उससे नाराज हो गई। एक तरफ सारा और निकोल की दोस्ती टूट रही थी तो वहीं दूसरी तरफ रॉजर की टीम मैच हार रही थी। उन्हें हारते देख इलाके के लोगों ने मैच पूरी तरह रोक दिया और इलाके को बेहतर बनाने की रॉजर की कोशिश नाकामयाब हुई। सारा ने निकोल से मिलना जुलना बंद कर दिया पर रॉजर ने अब भी अपने अफेयर को नहीं रोका। रेचल ने इस बारे में रॉजर से बात करने की कोशिश की और कहा कि अगर उनकी बेटी को इस बारे में पता चला तो वो इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी पर रॉजर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। हर कोई क्रिकेट में मिली हार से परेशान था और काम ना होने की वजह से उन सबके पैसे खत्म होने लगे थे। पर फिर फैक्ट्री का मालिक उनके पास आया और सबको पता चला कि फैक्ट्री को फिर से शुरू किया जा रहा है। मजदूरों को पहले से ज्यादा पैसे मिलेंगे और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि उनके क्रिकेट मैच की वजह से वो इलाका दुनिया में मशहूर होने लगा है। उस इलाके के लोगों की जीत हुई और काम फिर से शुरू हुआ। पर फैक्ट्री में काम करते वक्त सिमोन ने रॉजर को अपने पास बुलाया और कहने लगी कि हालात सुधरने की वजह से वो और रॉजर अब साथ रह सकते हैं।
सिमोन ने ठान लिया था कि वो रॉजर को नहीं छोड़ेगी, और जब निकोल ने उसे समझाया कि ऐसा करके वो सारा और उसकी माँ को चोट पहुँचा रही है, तो उसने निकोल को वहाँ से बाहर जाने के लिए कह दिया। जल्द ही निकोल ने सारा के साथ का अपना रिश्ता सुधार लिया और उसे सारा से माफी भी मिल गई। उस वक्त निकोल ने कहा कि उसका इस इलाके से दूर एक शहर में जाने का सपना है और जल्द ही वो सपना असाफ की वजह से पूरा होने वाला है। असाफ जल्द ही शहर लौटने वाला था और चाहता था कि निकोल उसके साथ जाए, पर फिर एक दिन निकोल को अपनी माँ की बीमारी के बारे में पता चला। जनैत और निकोल के बीच की कड़वाहट खत्म होने लगी और जनैत ने कहा कि वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। जनैत जानती थी कि जल्दी उसकी मौत होने वाली है और इसलिए उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि फ्यूनरल पर इलाके की औरतें उसकी तारीफ करें, और उन औरतों को जनैत खुद ट्रेन करने लगी। एक रात सारा और निकोल के स्कूल में पार्टी रखी गई और वो दोनों कुछ देर के लिए अपने परिवार को छोड़कर उस स्कूल में चले गए। पार्टी में गाबी सारा के साथ वक्त बिताने लगा और मोशे ने पहली बार हिम्मत जुटाकर निकोल से अपने दिल की बात कही। उसी रात रॉजर ने अपने अफेयर को खत्म करने का फैसला किया और सिमोन के घर जाकर उससे कहा कि वो अपनी बेटी का दिल नहीं दुखा सकता। कुछ वक्त बाद जनैत ने अपने पति आइजैक के साथ अपने आखिरी पल बिताए और उसी रात उसकी मौत हो गई। जनैत के जाने से इलाके का हर इंसान दुखी था, और फ्यूनरल खत्म होते ही रॉजर ने सारा से अपनी गलती के लिए माफी मांगी, मगर सारा ने उसे माफ नहीं किया। जनैत की मौत ने निकोल को पूरी तरह बदल दिया था और सारा की भी जिंदगी रॉजर की वजह से पूरी तरह बदल चुकी थी। निकोल ने शहर जाने के अपने सपने को हमेशा के लिए ठुकरा दिया, पर अब अपने राइटर बनने के सपने को पूरा करने के लिए सारा कुछ सालों के लिए शहर की ओर जाने लगी। उस साल सारा और निकोल दोनों ने अपने परिवार के हिस्सों को खोया था, पर उन्होंने एक दूसरे में अपने परिवार को ढूंढ लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।